और देखिए इसी बीच यहाँ पर दोपहर 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज भी सामने आ गया है। आज आपको बता दें कि 21 राज्यों की केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग चल रही है और इसमें आप देखिए दोपहर 1 बजे तक का आंकड़ा, बिहार में 32.41%, मध्य प्रदेश में 44.18% मतदान हो चुका है, पश्चिम बंगाल की बात कर लें तो 50.69% मतदान दोपहर 1 बजे तक, उत्तराखंड का आंकड़ा है 37.33% मतदान दोपहर 1 बजे तक हो चुका है और उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो 36.96% मतदान अब तक दर्ज किया गया है, बिहार का यह आंकड़ा 32.41%, मध्य प्रदेश की बात कर लें तो 44.18% मतदान अब तक हो चुका है, पश्चिम बंगाल में ये आंकड़ा 50.69% पहुंच चुका है। तो दोपहर 1 बजे तक का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं और 102 लोकसभा ये सीटें हैं जिनको लेकर आज मतदान जोर शोर से चल रहा है। महाराष्ट्र की बात कर लें तो 32.36% मतदान अब तक हो चुका है, छत्तीसगढ़ में ये आंकड़ा 42.57% पहुंच चुका है, जम्मू कश्मीर की बात कर लें तो 43.11% मतदान अब तक हो चुका है, आसाम में आंकड़ा दोपहर 1 बजे तक का 45.12% मतदान अब तक, राजस्थान में 33.73% मतदान हो चुका है। तो लगातार ये आंकड़ा आपको हम दिखा रहे हैं, आंकड़ा बढ़ रहा है, लोग पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर। और इस बीच तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा आज मतदान को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर जिस पर बीजेपी घेर रही है, सुनिए। जो सीट जो है जीत रहे हैं, जो फीडबैक आ रहा है बढ़ चढ़ करके लोग जो हैं वोट दे रहे हैं और मौजूदा सरकार से लोग जो हैं गुस्से में हैं और कहीं कोई शक नहीं है कि हम ये चारों सीट हार रहे हैं। बड़ी मजबूती के साथ कॉन्फिडेंटली हम कह रहे हैं कि ये चारों सीट हम लोग जो है जीत रहे हैं। और इसी बीच गुलाम नबी आज़ाद, उनका भी बयान सामने आया है, सुनिए। हमें अपने काम से काम रखना है, जो हमारी पार्टी का एजेंडा है और जो मेरा एजेंडा रहा है उसको आगे चलाएं, लोगों की खिदमत करने के लिए हमें मैं नहीं जाना है। इंशाल्लाह हमने अच्छा पढ़ा लिखा, दूसरी पार्टियों के भी अच्छे पढ़े लिखे, मैं ये नहीं कहता वो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन एक नौजवान बेदाग इंसान है जो वकालत के साथ इलेक्टेड DDC मेंबर भी है, चुने हुए मेंबर हैं, तो एक मरहला इन्होंने DDC में पास किया है, अब सीधे पार्लियामेंट का बड़ा मरहला इनको फेस करना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कामयाब हो जाएंगे। और